सब्सक्राइब कीजिए मेरे YouTube चैनल को और बेल आइकन को दबा दीजिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ML स्टडी में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं कि ऑपरेटर क्या होते हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं संकारक। यानी कि ऑपरेटर एक गणितीय नियम है जो किसी एक फलन को दूसरे फलन में बदल देता है। क्या होता है दोस्तों, ऑपरेटर इज अ मैथमेटिकल रूल विच चेंज वन फंक्शन टू अनदर फंक्शन। जैसे कि हम किसी भी जैसे हम अवकलन करते हैं, किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएट करते हैं, तो वो क्या करता है, किसी जो अनदर फंक्शन में चेंज होता है। तो देखिए दोस्तों, मैंने क्या किया, इस साइन एक्स के ऊपर ये मैंने अवकलन किया, डी बाई डी एक्स लगाया। डी बाई डी एक्स का मतलब अवकलन होता है। तो अगर मैंने साइन एक्स को डी बाई डी एक्स से अवकलित किया तो ये क्या हुआ, कोस एक्स में चेंज हो गया। यानी कि आपका जो साइन फंक्शन था वो क्या हो गया, कोस फंक्शन में चेंज हो गया। तो यहां पर जो डी बाई डी एक्स है वो क्या करता है, एक संकारक की तरह कार्य करता है। और आपके जो बी एस सी में बेसिकली दो प्रकार के ऑपरेटर आपके मेंशन है, फर्स्ट है आपके रैखिक संकारक और सेकंड है हर्मिशियन संकारक, जिसे लीनियर ऑपरेटर कहते हैं रैखिक संकारक को और हर्मिशियन को हर्मिशियन ऑपरेटर कहते हैं। तो एक बार वापस से पढ़ लेते हैं कि संकारक क्या होता है। संकारक बेसिकली एक गणितीय नियम है। संकारक क्या है, एक गणितीय नियम है जो किसी एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में चेंज कर देता है। तो अब हम पढ़ेंगे कि रैखिक संकारक क्या होता है और हर्मिशियन संकारक क्या होता है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने आपके सामने लिख रखा है कि हर्मिशियन संकारक क्या होता है। तो माना कि हमारे पास कोई ऑपरेटर है, यानी कि कोई भी संकारक है जो साई और साई स्टार किसी भी दो वेव फंक्शन पर ऑपरेटर इस प्रकार होता है, तो उसे हम हर्मिशियन संकारक कहते हैं। यदि देखिए, ये सबसे पहले इस संकारक को मैंने क्या किया, साई स्टार पर ऑपरेट कराया, फिर इसको साई से मल्टीपल कराया, और इसके बाद जो मैंने इंटीग्रेशन आया वो किसके बराबर है, मैंने इस बार क्या किया कि इस ऑपरेटर को साई पर ऑपरेट कराया। मैंने साई स्टार पर ऑपरेटर नहीं करा के साई पर ऑपरेट कराया। तो आप देख सकते हो कि यहां पर मैंने साई स्टार पर ऑपरेट कराया, फिर इधर हमने साई के ऊपर ऑपरेट कराया, तो दोनों से ऊपर जो हमारे रिजल्ट मिलेंगे वो सेम मिलेंगे। तो हम कह सकेंगे कि हमारा जो ऑपरेटर है वो क्या है, हर्मिशियन ऑपरेटर है। तो हमने मैंने एक एग्जांपल लिख रखा है, ए इक्वल टू माइनस आयोटा क्रॉस डेल वाई डेल एक्स। अगर आप इसको हल करोगे यहाँ पर इसको ऑपरेट करा के, फिर इधर इसको यहाँ पर ऑपरेट कराकर, तो आपके पास सेम रिजल्ट मिलने वाला है। और इसका जो मैं हल अगले वाले वीडियो में लिख दूंगा, कर दूंगा। तो अगर मेरा वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा तो, ठीक है। और ये जो ऑपरेटर है ए इक्वल टू डेल बाय डेल एक्स, ये आपका हर्मिशियन ऑपरेटर नहीं होगा। ये भी मैं अगले वाले वीडियो में बनाकर पूरा सोल्व कर बता दूंगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या आता है कि रैखिक संकारक क्या होता है। कोई संकारक ये रैखिक संकारक कहलाता है यदि वह निम्न बातों की पालना करता है। तो फर्स्ट बात क्या है कि इस ऑपरेटर को मैंने ए साई पर बी साई पर ऑपरेट कराया, ठीक है। तो वो किसके बराबर होना चाहिए, ए साई पर अलग से एक ऑपरेट कराए प्लस बी साई पर बी को अलग से बी साई पर एक को, ये आ जाएगा बी साई पर एक को अलग से ऑपरेट करावे। तो ये दोनों जो कंडीशन है अगर हमारे पास बराबर आ जाए तो हम क्या कहेंगे कि ये एक रैखिक संकारक है। वापस देखिए, देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले ए साई प्लस बी साई दोनों को एड करके किसी ऑपरेटर को ऑपरेट कराया। जो हमारा रिजल्ट था वो किसके बराबर आएगा कि ए साई पर मैंने ऑपरेट कराया एक को, ठीक है। फिर बाद में बी साई पर मैंने ऑपरेट कराया एक को, फिर दोनों का जो जोड़ है वो इस कंडीशन के बराबर आ जाएगी। तो हमारा जो संकारक है वो रैखिक संकारक होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे कि अगर ए साई पर किसी को ऑपरेट कराएंगे तो वो किसके इक्वल होगा कि मैंने साई पर पहले ही एक ऑपरेट करा के फिर सी से मल्टीपल कर दिया, तो दोनों ही हमारे पास कंडीशन बराबर आ जाएगी। तो ये आपका रैखिक संकारक हो जाएगा। एक बार वापस देख लेते हैं क्यों से कि हर्मिशियन ऑपरेटर क्या होता है। इसमें क्या होता है कि अगर मैंने इस प्रकार से कंडीशन लगाई और सबसे पहले मैंने इस ऑपरेटर ए को साई स्टार पर ऑपरेट कराया, फिर साई से मल्टीपल कराए के इसका इंटीग्रेशन किया, तो ये किसके बराबर आया, जब मैंने ए को साई पर मल्टी ऑपरेट कराया
फिर साइज क्लास से इसको मल्टीपल किया, उसके बाद इसको मैंने क्या किया, इंटीग्रेट किया, तो जो मेरे पास दोनों ही कंडीशन थी वो मेरे पास एक जैसी आई, तो इसको हम क्या कहेंगे, हर्मिशियन ऑपरेटर, जो कि यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिख रखा है। और इस एग्जांपल को मैं अगले वाले वीडियो में प्रूफ भी करने वाला हूँ कि यह हर्मिशियन ऑपरेटर होता है। सेकेंड बात यह है रैखिक संकारक। रैखिक संकारक में दो बातों का पालना होती है। फर्स्ट बात यह होती है कि अगर मैंने एस आई बी साई दोनों के ऊपर जोड़ के फिर दोनों के ऊपर एक ऑपरेट कराए तो वो किसके इक्वल होगा, एस आई पर अलग से ऑपरेट कराओ फिर बी साई पर अलग से ऑपरेट कराओ, तो दोनों ही कंडीशन में अगर रिजल्ट सेम आता है तो हमारा जो ऑपरेटर है वो रैखिक संकारक होता है। सेकंड, अगर मैंने सी साई पर एक को ऑपरेट कराया, ठीक है, वो किसके इक्वल हुआ कि मैंने साई पर एक को ऑपरेट करा के फिर मैंने सी से मल्टीपल किया। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरे जो भी वीडियोस आ गए उसके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और हाँ, इसके अगले वाले वीडियो में मैं ये बताने वाला हूँ कि ये किस प्रकार से मतलब हर्मिशियन ऑपरेटर होता है। इसके बाद अगले वाले वीडियो में मैं आपको आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन क्या होता है वो बताने वाला हूँ, बिल्कुल इजी ट्रिक से, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बस, ठीक है, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।